हेलो गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो इंडियंस के इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो चाइनीज ऐप्स है उसको आज टोटली बैन कर दिया। जी फ्रेंड्स, टोटली बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने और जो चाइना को हिटेड कर दिया कि चाइनीज ऐप्स टोटली बैनड इन इंडिया। जी फ्रेंड्स, बहुत इस सब यानी चाइनीज ऐप्स को बंद करके मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि किसी लड़की को देखा जाए तो वो लोग बहुत ही नाराज़ है कि चाइनीज ऐप्स में यानी टिकटॉक को बैन करने से क्या होगा। जी फ्रेंड्स, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो चाइनीज यानी टिकटॉक को बंद करने के लिए बहुत ही रोता है और बोलता है व्हाई ही बैंड इट इन इंडिया टिकटॉक। जी फ्रेंड्स, टिकटॉक को क्यों बंद कर दिया? अरे भाई, अगर आप इन लोगों के बारे में सोचते हैं कि टिकटॉक बंद कर, एक्चुअल में देखिए टिकटॉक चाइना ने इसका बनाया था सिर्फ जो इसका काम नहीं है, कुछ घर में बैठा रहता है उन लोगों के लिए। मगर आपको देखा जाए इस ऐप्स में बच्चे बूढ़े लेकर ऑल फैमिली इसमें लगा हुआ रहता है कि चलो भाई टिकटॉक बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इसमें वायरल होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वायरल होना बड़ा बात नहीं, मगर आप अपना टाइम को स्पेंड मत कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए, अपना टाइम को वेस्ट करते हैं इस टिकटॉक में तो अपना लाइफ में थोड़ा आगे जाना है तो टिकटॉक क्यों? देखिए, टिकटॉक में आप अगर आगे जाना चाहते हैं तो वायरल होना चाहते हैं तो इसके लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी अलग टाइप है, ठीक है, आपके यूट्यूब में वीडियो बनाइए, कुछ भी करिए, मगर आप टिकटॉक क्यों? देखिए, एक टोटली चाइनीज ऐप्स है और आप जब आप इसमें वीडियो अपलोडिंग करते हैं, यूजेस करते हैं तो इसका जो बेनिफिट है टोटली चाइना को मिलता है। तो इससे क्या होता है, इससे आप तो चाइना को बेनिफिट देते हैं मगर आप सोचिए आप टिकटॉक ऐप्स को यूज़ करके जितना भी मुनाफा आप देते हैं चाइनीज को, चाइनीज क्या करता है आपको फीडबैक वो गोली आपको देता है। जैसे कि लद्दाख में कुछ ही दिन पहले में जो 20 से हमारा जो सोल्डर्स है यानी आर्मी, तो इनका देहांत हो गया, तो आपको इसके लिए कोई दुख की बात नहीं है। जो आपको चाइना जो ऐप्स टिकटॉक यूज़ करना है इसके लिए आप आर्मी को भी कोई आपका मान्यता नहीं देंगे, आप उसको सम्मान नहीं करेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर आप इंडियन है तो प्लीज़ आप इंडियन जो मेरा गवर्नमेंट है उसका बात मानिए और टिकटॉक को प्लीज़ प्लीज़ अगर आपके पास इंस्टॉल था, अब तो नहीं चलने वाला है क्योंकि टिकटॉक टोटली बैनड हो चुका है, अगर आप इंडिया लोकेशन में टिकटॉक यूज़ करते हैं तो उसका जो इन लोग का यूज़ कर ही नहीं पाएंगे और टोटली वो बैन हो गया है। तो इसके लिए मैं बहुत ही बड़ा खुश हूँ क्योंकि सच में बहुत ही खुश हूँ। तो आपका जो जो इंडियन गवर्नमेंट ने 57 जो कम यानी आपका जो ऐप्स को बैनड किया है वो क्या आपको पता है? चलिए, अगर आपको पता नहीं है तो मैं मेरे जो कंप्यूटर जो आपका जो डिस्प्ले है इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सा था डिसेबल, क्योंकि 57 जो ऐप्स है उसके बारे में बोलना थोड़ा आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं आपको उसका लिस्ट डिटेल्स में दे रहा हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिस्ट मिल जाएगा कि आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख पाएंगे कि क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, देखिए आज का मतलब यानी इसका यानी इस वीडियो का मतलब एक ही था कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना कि अगर आपके पास और भी अभी भी है कोई ऐप्स तो प्लीज़ आप इंस्टॉल कीजिए और कभी भी गलती से मत इंस्टॉल कीजिए इन सब यानी इस 57 जो आपका ऐप्स है चाइनीज ऐप, इसको मत ही इंस्टॉल कीजिए। अगर आपके पास अभी भी इंस्टॉल है यानी अभी भी आपके पास अगर इंस्टॉल है आपका मोबाइल पर, तो प्लीज़ आप इन ऐप्स को इंस्टॉल कीजिए। आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़ आप इन सब जो आपका ऐप्स है इसको इंस्टॉल कर दीजिए। जब फ्रेंड्स, तो छोटा सा वीडियो था, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं रोजाना आप सभी के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप नोटिफिकेशन आइकन को जरूर अलाउ कर देना क्योंकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोडिंग करूँ तुरंत आपके पास पहुँच जाए नोटिफिकेशन। जब फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के दिन बाय बाय।